आवाज सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। चलो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो रिप्लेसमेंट होता क्या है, बेसिक चीज समझो कि कोई भी मिक्सचर, जैसे मैंने कल बताया था मिक्सचर क्या होता है, दो अलग अलग क्वांटिटीज का जो है आपस में मिला तो उसी को अपन मिक्सचर बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जब उस सॉल्यूशन में से, उस मिक्सचर में से कोई क्वांटिटी हम रिमूव करते हैं, और सेम अमाउंट की या डिफरेंट अमाउंट की, कुछ भी वो हो सकता है, जनरली सेम क्वांटिटी का ही क्वेश्चन आता है। हम किसी और, सपोज एग्जाम्पल ले लो कि एल्कोहल का एक मिक्सचर है, ठीक है, एल्कोहल का एक सॉल्यूशन है, उसमें से हमने कुछ एल्कोहल निकाला, 10% एल्कोहल निकाला, 20% एल्कोहल निकाला, और उसके बाद हम सेम क्वांटिटी किसी और लिक्विड को ऐड कर देते हैं। वो कोई एसिड हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी, कोई भी चीज को हम ऐड करते हैं, इसी को अपन बोलते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट में एक जो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अपन यहाँ थ्योरी के बेसिस पे काम करते हैं, प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाना है, तो एक चीज को समझो कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि 100 100 ml का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 90 ml जो है तुम्हारा एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है, और 10 ml तुम्हारा जो है, सॉरी, 10 ml तुम्हारा वाटर है, ठीक। तो अब जो चीज, मान लो इसमें से फिर मैं बोलता हूँ कि मैंने 10% 10 ml का सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, इसमें से मान लो मैं बोलता हूँ कि 10 ml सॉल्यूशन मैंने निकाला, तो जो 10 ml में सॉल्यूशन निकालूंगा, ये सॉल्यूशन में जो है, हाँ, ये सॉल्यूशन में जो भी जो क्वांटिटी रहेगी एल्कोहल और वाटर की, वो सेम रेशियो में रहेगी जिस रेशियो में जो है ओरिजिनल सॉल्यूशन में एल्कोहल और वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो किस रेशियो में प्रेजेंट है, अपने को पता है एल्कोहल और वाटर ओरिजिनल सॉल्यूशन में 9:1 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब अपन 10 ml निकालेंगे इसमें से, तो 10 ml में भी जो है वो 9:1 के रेशियो में ही रहेंगे, डेट इज 9 ml जो है तुम्हारा एल्कोहल निकलेगा और 1 ml तुम्हारा जो है वाटर निकलेगा, ठीक है। ये चीज का अपन को ध्यान रखना होता है कि जो भी रिप्लेसमेंट के टाइम, रिप्लेसमेंट के लिए हम जो भी क्वांटिटी जो है मिक्सचर या सोल्यूशन का अपन वहां से निकाल रहे हैं, और तो उस सॉल्यूशन, वो जो जो भी क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं, वो क्वांटिटी सेम रेशियो में निकलेगी जिस रेशियो में वो दोनों मटेरियल लिक्विड्स जो है ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओरिजिनल मतलब ठीक उसके पहले वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे जो है, हमने, मैं बोलता हूँ कि 10 ml हमने निकाला, 10 ml निकाला तो 9 ml एल्कोहल निकला और 1 ml वाटर निकला, ठीक है। तो जब इतना अपन ने निकाला, तो क्योंकि 90 ml एल्कोहल था, 90 ml अल्कोहल था, 9 ml निकल गया, तो अल्कोहल कितना बचा है, 81 बचा है, ठीक है। वाटर कितना बचा है, वाटर 10 था, 1 ml निकल गया, वाटर कितना बचा, 9 ml बचा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं बोलता हूँ, अभी ये तो अपन ने निकाला, ठीक है, रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर फिर करेंगे। तो रिप्लेसमेंट क्या है, रिप्लेस अगर हम करेंगे, मैं बोलता हूँ कि 10 ml जितना मैंने निकाला, 10 ml निकाला था सोल्यूशन, तो 10 ml वाटर से हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो 10 ml वाटर से रिप्लेस जब करोगे, तो 10 ml वाटर ऐड करोगे, 1 मिनट, 10 ml वाटर ऐड करोगे, तो 10 ml वाटर ऐड करोगे, तो फाइनली वाटर कितना हो जाएगा अपने पास, वाटर अपने पास टोटल हो जाएगा 19, ठीक है। अब अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है इस मिक्सचर में, 81:19। इसके बाद जब हम दोबारा सेम प्रोसीजर, मान लो मैं फिर से बोलता हूँ कि फिर से मैंने 10 ml इस सॉल्यूशन का निकाला, इस मिक्सचर का 10 ml मैंने निकाला, और फिर 10 ml वाटर से रिप्लेस किया, तो इस बार क्या होगा, इस बार देखो जो ये 10 ml सॉल्यूशन मैंने निकाला, इस 10 ml सॉल्यूशन में से, क्योंकि हमारा रेशियो 81:19 है, तो 8.1 ml अल्कोहल अपना निकलेगा और 1.9 ml अपना वाटर निकलेगा।
ये चीज सभी को क्लियर हो रही है कि क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार चैट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अब देखो इसी चीज को जो है ना, अब ये तो अपन कर लिए कि ये बेसिक्स हैं, होती यही चीज है अगर कभी किसी क्वेश्चन में फंसते हो, वो 8.1 कैसे देखो, क्योंकि 81:19 है, 100 टोटल है, ठीक है, 100 टोटल है, टोटल में से 81 अल्कोहल है, ठीक है, तो टोटल में से अगर 100 में से 81 अल्कोहल है, तो अगर 10 अपन निकालेंगे तो 8.1 ही तो अल्कोहल निकलेगा, 81% अल्कोहल ही तो निकालेंगे अपन, ये चीज क्लियर है। क्योंकि ये ओरिजिनल सॉल्यूशन जो था, ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब ठीक उसके पहले वाला हम लेंगे, जो रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं उसके ठीक पहले जो था हम उसको ओरिजिनल लेते हैं, उसमें क्योंकि 81% अल्कोहल प्रेजेंट है, तो हम जितनी भी क्वांटिटी निकालेंगे उसका 81% अल्कोहल रहेगा, बाकी का जो है वो रहेगा क्या बोलते हैं, वॉटर, वॉटर रहेगा। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये चीज तो होती है अपनी बेसिक्स कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कहीं थोड़े से और फिगर्स हैं, या मान लो बाय चांस कहीं फंसते हो तो, और रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो ये चीज बेसिक याद रखना कि भाई जब भी अपन रिप्लेस करने जाएंगे तो जो भी सॉल्यूशन है वो उसी क्वांटिटी में निकलेगा जिस क्वांटिटी में वो दोनों, जिस रेशियो में वो दोनों इसके अपने ठीक पहले वाले जो है मिक्सचर में प्रेजेंट थे। ठीक, तो ये तो हो गया अगर बेसिक्स ये चीजें हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला अपने पास होता है इसमें, ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है कि रिप्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा काम करेगा जब जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो हम प्योर सॉल्यूशन ले रहे हैं, 100% के केस में काम करता है ये। ठीक है, इसमें करना क्या, आप जैसे बोलता है एक इनिशियल क्वांटिटी है, ठीक है, एक अपनी है इनिशियल क्वांटिटी, ठीक, तो इनिशियल क्वांटिटी मान लो कि तुम्हारा एक्स है, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी तुम्हारा एक्स है, और फिर बोलता है कि रिप्लेस कितना कर रहा है, रिप्लेस मान लो बोलता है कि कर रहा है वाई लीटर्स रिप्लेस कर रहा है, तो जो अपना फाइनल कंसेंट्रेशन बनता है, और मान लो कि कितने टाइम कर रहा है रिप्लेस, एन टाइम्स रिप्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, एन टाइम जो है अपना रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर एन, और ये हमें देता क्या है, ये हमें कंसेंट्रेशन देता है, किसका कंसेंट्रेशन देता है, अपने को एक्स का कंसेंट्रेशन देता है, जो इनिशियल वाला जो लिक्विड था अपन को उसका कंसेंट्रेशन ये देता है। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है, एक छोटा सा एग्जांपल इसका करते हैं, बट ये इतना क्लियर है, चैट में बता दो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये वाला फॉर्मूला तो अपन को कंसेंट्रेशन देगा, ठीक है, लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को अभी देखो, एक मिनट, अब इसी फॉर्मूले को मैं जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तुम्हारा इससे इनिशियल क्वांटिटी से, मतलब दोबारा एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये अपने को जो है फाइनल क्वांटिटी दे देगा, ठीक है, फाइनल क्वांटिटी दे देगा, अपना जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था वो फाइनली कितना प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में उसकी क्वांटिटी दे देगा। ठीक है, अच्छा इस केस में एक चीज और याद रखना, नहीं वो ठीक है, क्लियर हो जाएगा इसी में। हाँ तो ये हो गया, इसको दोबारा एक से मल्टीप्लाई करने पे ये फाइनल क्वांटिटी दे देता है, किसी को पूछना है क्यों दे देता है तो वो मैं बता देता हूँ, किसी को डाउट है क्यों देता है वो फाइनल क्वांटिटी, अरे चैट में बोल दिया करो, मेरे को सुनाई थोड़ी दे रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो है एक 10 ml 100 ml का एक सोल्यूशन है, ठीक है, 100 ml का अल्कोहल का सोल्यूशन है। ठीक, अब इसमें मैं बोलता हूँ कि मैं 10 ml बार बार रिप्लेस कर रहा हूँ, 10 ml वाटर में रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक, और मैंने देखो अब जब तक एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब एक ने बोला दूजे ने मानी, अरे यार तुम लोग देखो, उसके पहले जब तक हम एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं वो हमें कंसेंट्रेशन देता है, कंसेंट्रेशन इज परसेंटेज, अभी मैं बता रहा हूँ पूरी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, हाँ तो 100 ml अल्कोहल सॉल्यूशन है और मैं 10 ml बार बार वाटर रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने ये प्रोसीजर जो है 3 बार किया। ठीक, तो अब अपन फॉर्मूले में चलते हैं, इनिशियल क्वांटिटी अपनी क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी अपनी 100, रिप्लेस कितना कर रहे हैं वो वाई हो गया, वाई की वैल्यू क्या हुई अपनी 10,
और n टाइम्स किया है तो यहाँ पे n की वैल्यू अपन ने क्या ली है, 3 टाइम्स लिया है. अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है. तो फॉर्मूला अपना क्या है, x माइनस वाई बाय एक्स टू दी पावर 3, और ये अपन को क्या देगा, कंसेंट्रेशन देगा, ठीक है. तो 100 माइनस 10 मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100, ये हटा दो, का पावर 3, ठीक है. तो 9 क्यूब होता है 729 डिवाइडेड बाय 1000, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 72.9. अब ये जो 72.9 है ये है तुम्हारा कंसेंट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि 72.9%. अब तुम्हारा ये 100 की जगह कुछ और भी होता तो भी इस तरह का जो, अगर इस रेशियो में हम, जो रेशियो में हम अपन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उस रेशियो में करने पे अपने को 72.9% मिलेगा. 72.9% का मतलब है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर बात करें कि हमने 100 ml से स्टार्टिंग की थी, ठीक है, अपन ने 3 बार वाटर को 10-10 ml करके रिप्लेस किया है, ठीक. इतना रिप्लेसमेंट करने के बाद हमारे पास जो अल्कोहल बचा है वो 72.9% है, ठीक है. ओरिजिनल सॉल्यूशन का ओनली 72.9% है, जो कि हमने स्टार्ट किया था तो 100% था. अब यही चीज को अपन मान लो कि इसको इनिशियल क्वांटिटी क्या है, 100 है. अगर अपन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो परसेंटेज है, तो परसेंट हटता है तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है, क्योंकि परसेंट का वही मतलब है, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 लिखना पड़ता है. सॉल्यूशन का क्वांटिटी 100 है, 10 ml मैं रिप्लेस कर रहा हूं. देखो यहां मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया कि इनिशियल क्वांटिटी मेरी x है, रिप्लेसमेंट मेरा y है. इनिशियल क्वांटिटी मैंने 100 ली है, रिप्लेसमेंट की क्वांटिटी मैंने 10 ली है, ठीक है. ये फॉर्मूला है, अभी क्लियर है. ठीक है, तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये 100, एक सेकेंड, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ यार. हाँ देखो ये 100 से 100 चला जाएगा और अपना बचेगा 72.9, जो कि हमारा आंसर है. अब इस केस में मैंने 100 से स्टार्ट किया था तो ये थोड़ा सा इजी हो गया, मतलब डायरेक्टली वही परसेंटेज वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई. बट मतलब समझ गए होगे चीज में क्या कहना चाह रहा हूँ, जब उसको जो है इनिशियल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली क्या क्वांटिटी बची है वो अपने पास आ जाता है, ठीक है. इसको बेसिक मेथड से बताना है तो वो भी मैं एक बार बता सकता हूँ, अगर किसी को जानना है फॉर्मूले के अलावा, अगर जो बेसिक्स है हमारे उसके थ्रू अगर जानना है तो बताना है किसी को, या आगे बढ़ा जाए फिर क्वेश्चंस की तरफ. हाँ सर, क्या बताना है? ठीक है, देखो तो मैंने जैसे तुमको बताया था कि जब हम उसको रिप्लेस करते हैं, है ना, जब भी हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो सेम क्वांटिटी में होता है रिप्लेसमेंट, जिस क्वांटिटी में वो इनिशियल सॉल्यूशन में, मतलब ठीक उसके पहले वाले सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. तो अभी देखो ये हो गया अपना 100 ml अल्कोहल का सॉल्यूशन, ठीक है. अब यहाँ पे अपन लिखेंगे अल्कोहल, यहाँ पे अपन लिखेंगे वाटर, ठीक. सो ये परसेंटेज आता है, रेशियो, ये परसेंटेज की वैल्यू आती है, ये परसेंटेज की वैल्यू है, जो 72.9 अपना आया था ये परसेंटेज की वैल्यू है, ठीक है, वो परसेंटेज है. तो अभी इनिशियली क्या है अपने पास, 100 ml अल्कोहल है और 0 ml वाटर है, ठीक है. अब मैंने बोला कि मैंने 10 ml निकाला, ये सॉल्यूशन का मैंने 10 ml निकाला, ठीक. तो 10 ml जब मैंने निकाला तो अल्कोहल 10 निकल गया, अल्कोहल कितना बचा, 90. फिर मैंने बोला कि मैंने वाटर उसमें ऐड कर दिया, और कितना, 10 ही ऐड किया है, तो वाटर 0 की जगह अब 10 ऐड हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा 10. अब इस सॉल्यूशन में रेशियो क्या है, रेशियो है अपना 9:1, ठीक है. फिर मैंने बोला कि मैंने दोबारा निकाला 10 ml. अब जब मैंने 10 ml निकाला तो 10 ml, अब इनिशियल सॉल्यूशन देखो, मतलब ठीक उसके पहले वाला सॉल्यूशन देखो, उसमें 9:1 है. तो अगर 100 में मेरा 90 है, मतलब 100 में 90 है, तो 10 में कितना होगा, 10 में मेरा 9 होगा. तो 10 ml जैसे ही मैं निकालूंगा, मैं 9 ml यहां से माइनस करूंगा, ये हो जाएगा अपना 81, ठीक है. और 1 ml ये भी निकलेगा वाटर, तो 1 ml इसको निकाला, वाटर हो गया 9, ठीक. 81 और 9 ml, 81 ml अल्कोहल है, 9 ml वाटर है. फिर मैंने बोला कि मैंने 10 ml वाटर ऐड करा, 10 ml वाटर मैंने ऐड करा, तो वाटर अब हो गया 19 और अल्कोहल अपना हो गया 81. अब हो गया अपना यही वाला रेशियो, ठीक है. फिर मैंने बोला कि मैंने दोबारा, क्योंकि 3 बार मैंने बोला था ऑपरेशन करना है, तो मैंने बोला तीसरी बार 10 ml निकाला, म्यूट करके रखो. हाँ तो हाँ, 100 ml में, अब जब मैं 10 ml निकालूंगा तो 100 ml में अब मेरे पास 81 ml अल्कोहल है, ठीक है. 100 ml में से 81 ml मेरे पास अल्कोहल है, तो जब मैं 10 ml निकालूंगा तो मेरे पास कितना अल्कोहल बचेगा, रहेगा उसमें 8.1. तो 81 में से 8.1 मैं निकालूंगा
तो 81 माइनस 8 इज 73, 0.1 हटा दो 72.9 आ गया तुम्हारा, यहां से आया 72.9। सिमिलरली यहां वाले पे देखो 10 ml निकाला था, तो 10 ml में से 8.1 अगर अल्कोहल है तो बाकी का 1.9 अपना ये है वाटर है, तो 1.9 यहां से भी निकाल दोगे, तो 19 में से 1 जाएगा 18 और 0.9 जाएगा 17.1, और 17.1 में फिर मैं जो है 10 ml ऐड कर रहा हूं वाटर, तो ये फाइनली कितना हो रहा है 27.1। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो, ये दोनों अभी भी 100 ही है, 70, 20, 90, 92, 99, 0.9, 0.1, 100, अभी सभी को क्लियर है। तीन ऑपरेशन के बाद 72.9 अपने पास बचा, सभी को क्लियर है ये, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर। चैट में बता दो फटाफट, ठीक है चलो फिर, इजी क्वेश्चन है कर लो फटाफट। जो मर्ग करे वो यूज करो, देखो पहले तो फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ऑब्वियसली फॉर्मूला इज शॉर्टकट, तो शॉर्टकट हमेशा यूज करो, लेकिन मैं बेसिक्स इसलिए जानना जरूरी है कि मान लो कहीं पे फंस जाओ, कोई हर क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि इतना एमएल वो है, ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इतना एमएल निकाला, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या रहा, कोई कोई क्वेश्चन तुमको अलग करके भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर कभी बहुत टफ क्वेश्चन अगर पूछना रहेगा तो उसमें तुमको बेसिक्स पे ही जाना पड़ेगा, फॉर्मूला केवल तुमको ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन में चल जाएगा फॉर्मूला, बट कभी कभी अगर कठिन क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए तुमको बेसिक्स पे जाना ही पड़ता है। ऐसे पहले से डिसाइडेड मत जाया करो, डिसाइड करके कि भाई मेरे को ये मेथड यूज करना है या मेरे को यही मेथड यूज करना है, मेथड सारे आने चाहिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लगने वाला है उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है, वो समझने आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे क्या लगाना है। दोनों का आंसर बता देना, ये वाली गलती मत करो, मैंने तुमको बताया वो केवल तुमको ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है उसका कंसेंट्रेशन देगा, तो वो ओरिजिनल सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन तो तुम्हारा 81 बाय 100 आया, लेकिन 100 इज द टोटल, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन है तो इसका मतलब 81%। अभी यहाँ पे आंसर में पूछा है मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क 81 है तो वाटर 100 थोड़ी होगा, वाटर तो 19 होगा, है ना, तो वो चीज को ध्यान रखना, उसको उसमें गलती मत करना कि कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया। आगे बढ़े, ठीक है चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। किसी को कोई डाउट, बी करेक्ट है, चलो ठीक है अगले पे चलते हैं, इसको ट्राई करो।
अरे इतना इजी क्वेश्चन है यार, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं बता देता हूं। देखो यार आशिता, तुम क्या कर रही हो? 9.6। देखो एक एक स्टेप में क्वेश्चन को पढ़ा करो। फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग ओनली अल्कोहल, ठीक है, 6 लीटर्स आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, ठीक है। तो भाई अपने को इनिशियल वैल्यू तो कुछ भी नहीं दी हुई है, तो अपन मान लेंगे कि वो है एक्स, ठीक। और अपने को रिप्लेसमेंट की बात बोली गई है, वाई की वैल्यू बोली गई है कितनी, 6। फाइनली अपने को क्या बोला गया है, 6 लीटर्स आर रिप्लेस्ड, 6 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज नाउ टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। मतलब टोटल 2 बार अपन ने रिप्लेसमेंट किया, एन की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। फिर बोलता है कि द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर, तो रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर अगर 9:16 है, तो एल्कोहल कितना होगा, 9/25 होगा, यही तो होगा अपना कंसेंट्रेशन एल्कोहल का, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एल्कोहल वॉज इनिशियली दे, तो ठीक है एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। सारी वैल्यूज अगर अपने को पता है फॉर्मूला में पुट करने वाली, तो अपन एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में डालो, एक्स में से 6 गया, ठीक, डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, टू दी पावर तुम्हारा होगा ये 2, और इसकी वैल्यू अपने को किस क्या लिखना है, कंसेंट्रेशन लिखना है। कंसेंट्रेशन क्या है, 9/25 अपना कंसेंट्रेशन है। स्क्वायर रूट ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस 6/x इज इक्वल टू 3/5। फिर ये तुम्हारा इसको सॉल्व कर लो, 5x-30 इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 15। आंसर आ गया अपना 15। किसी को दिक्कत, क्लियर है सभी को? चैट में बताते रहा करो। इसमें x से नहीं, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने को, एक्स से मल्टीप्लाई अपने को फाइनल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कितना बचा है उसके लिए करते हैं, वो चीज तो अपने को पूछी नहीं है ना, तो अपन क्यों करेंगे फालतू में। नहीं, हमें अल्कोहल का फाइनल सॉल्यूशन फाइनल कितना बचा है वो नहीं पूछा गया है, हमें केवल पूछा गया है कि इनिशियली कितना था, तो उसके लिए अपन केवल इतने से फॉर्मूले से, क्योंकि यहां से देखो हम यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है, तो अपन को क्या दिक्कत है। अगर पूछा होता कि फाइनली कितना बचा है, एग्जैक्टली कितना, फाइनली रेशियो अपने को दिया हुआ है 9/25, बट अगर पूछता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी उस बचे हुए की, तब हम उसके लिए ये काम कर सकते थे, तब हम ये करते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो। अल्कोहल ना हो के सॉल्यूशन होता फिर, तब हम बेसिक से जाते, फिर हम देखते क्या करना है। यार देखो जो चीज नहीं है वो मैं कैसे बता दूं क्या होता है, अगर उस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने तो मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं वो करके बता दूंगा, बट अभी वो मेरे सामने है नहीं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि क्या होगा एग्जैक्टली, कैसे कैसे करेंगे, हर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो। बट प्रोबेबली हम फिर बेसिक से जाते, अगर वो बोलता कि जो है 10 ml अल्कोहल है, 90% अल्कोहल है और 10% वाटर है, तो प्रोबेबली मैं बेसिक्स का यूज करता, मैं उसको दो दो बार रिप्लेस करना था, मैं 2 बार इजिली रिप्लेस कर देता उसको। कुछ दिक्कत है यार, सिमकैट का वीडियो सॉल्यूशन बनाने में कुछ दिक्कत है IMS से, तो बना नहीं सकते हैं, बट उसके लिए अगर कोई भी चीज पूछनी हो उससे रिलेटेड तो मैं भी 1-2 दिन में दे दूंगा, तो उसके बाद मेरे से डिस्कस कर लेना, मेरे को पर्सनली मैसेज कर लिया करो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, FB पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा टफ पूछा था क्या? कब तक है विंडो इसकी, कब तक है? और 3 करेक्ट है, हाँ 3 आंसर है, 4 तक है विंडो। चलो देखते हैं, मैं भी कल परसों में दे देता हूँ। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सभी का हो गया आंसर 3 है। प्रोबेबली देखो रिप्लेसमेंट से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मे बी जैट में पूछ ले, कैट में तो नहीं पूछने वाला है बहुत टफ, ज्यादा नहीं घुमाता। सॉल्यूशन बता दूं,
Vessel contains 100 liters of milk and water concentration of milk is 90%. ठीक है, तो 90 लीटर जो 90 लीटर अपना ये है, 90 लीटर मिल्क है और वाटर है अपना 10 विड्रॉन, 10% ऑफ द कंटेंट मतलब 10% मतलब हर बार 10 10 लीटर विड्रॉ कर रहे हैं अपन एंड रिप्लेस विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिस प्रोसीजर मस्ट बी कैरीड आउट सच दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क सच दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द एक सेशन के बाद. हाँ मैं आज रात में जो है एक एक पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, रुक जाओ दो मिनट में कर दूं क्वेश्चन. मिनिमम कैरी आउट द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क लेस देन 66.66%. ठीक है, एक बार बेसिक से कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि मैंने 10% निकाला, मतलब 10 लीटर्स मैंने निकाला. तो 10 लीटर्स अगर मैंने निकाला तो क्योंकि 9:1 है तो 10 में से 9 लीटर मेरे पास मिल्क होगा. तो मिल्क निकाला 9 लीटर तो ये हो गया 81. यहाँ से 1 लीटर पानी निकला, ये हो गया तुम्हारा 9 और फिर 10 लीटर अपन ने ऐड कर दिया तो 9 की जगह 19 हो जाएगा. ठीक, तो ये हो गया अपना पहला रिप्लेसमेंट. दूसरे रिप्लेसमेंट पे आ जाओ. दूसरा रिप्लेसमेंट करोगे 10 लीटर्स निकालना है, 8.1 निकालना है. कुछ क्वेश्चन वही जो मैंने फॉर्मूला दिया एग्जांपल दिया था वही वाला है, तो मैं डायरेक्टली फिगर्स लिख दे रहा हूँ. और यहाँ से मैंने 1.9 निकाला, ये हो गया तुम्हारा 72.9 और ये हो गया तुम्हारा 27.1. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड रिप्लेसमेंट. थर्ड रिप्लेसमेंट करोगे तो अब की 10 में से 7.29 निकालना होगा, है ना. 7.29 जो है अपना वो रहेगा, तो 72.9 में से 7.29 निकालोगे तो ये तुम्हारा 65. समथिंग हो जाएगा. ठीक है, 72.9 माइनस 7.29 ये हो गया तुम्हारा 65.61. जैसे ही अपना 65.61 हो गया, अपने को पता है इनिशियल सॉल्यूशन 100 है, उसमें से अपना अल्कोहल 65.61 है विच इज लेस देन 66.66, तो अपन थर्ड रिप्लेसमेंट के टाइम उसको इससे कम कर चुके हैं, कर दिया अपन ने. ठीक है, अभी क्लियर है ये सबको, किसी को कोई डाउट? अरे चैट में बता दो अगर किसी को डाउट है, क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए. हाँ फॉर्मूला से भी कर सकते हो शायद, देखना पड़ेगा. फॉर्मूला से करने में फिर उस चीज का ध्यान रखना कि तुम इनिशियल को 100 मानो और तुम रिप्लेसमेंट को 10 मानो, आंसर तुम्हारा 4 आएगा. तुमको उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर असल में 3 है, क्योंकि इनिशियली हमको जो है 90% ही दिया हुआ था. वो फॉर्मूला तुमको तभी वर्क करता है जब वो 100% सॉल्यूशन हो. ठीक है, हाँ फॉर्मूला बहुत याद रखने की जरूरत भी नहीं यार, बेसिक्स याद रखो. बेसिक्स क्लियर रहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन लग जाता है. ठीक है, थोड़ा सा 30 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, 40 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन इतना टाइम है तुम्हारे पास. 20 क्वेश्चन करना होता है अपने को 99 के लिए, 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, 30 सेकंड में करने की जरूरत नहीं है. चलो अगला क्वेश्चन करूं, थोड़ा सा टफ है ये, आराम से करना. इसमें इक्वेशन आराम से बनाना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है बट अगर इक्वेशन सही से बनाओगे तो इजीली आ जाएगा आंसर. सात मिनट है ये क्वेश्चन, ट्राई कर लो, फिर अगली लिंक देनी पड़ेगी मेरे को, सॉल्यूशन उसमें दूंगा मैं.
अभी बताता हूँ अशिता, डी ए यानी ऑप्शन से किया तो बहुत सही है, ऑप्शन भी अच्छा होता है यूज करना, अर्थमेटिक में ऑप्शन बहुत काम आता है। चलो ठीक है फिर मैं बता दे रहा हूँ, अभी 4 मिनट है अपने पास। देखो इसमें बोला है कि टू वेसल्स पी एंड क्यू वर पार्शियली फिल्ड विथ मिल्क, ठीक है। तो पी मान लो कि जो है पी की इनिशियल क्वांटिटी अपने पास है पी, और क्यू की मान लो क्यू, ठीक है। फिर बोलता है कि 80% ऑफ द कंटेंट ऑफ पी वॉज ट्रांसफर टू क्यू, तो अगर 80% ऑफ द कंटेंट वॉज ट्रांसफर्ड सो वॉट वॉज लेफ्ट, 0.2p बचेगा भाई। अगर p टोटल है 80% उसमें से निकाल के कहीं और कर दिया तो अपने पास 20% बचेगा 0.2। और q में अपने पास क्या बचेगा, q में अपने पास बचेगा जीरो, पहले तो q जो था वो तो है, प्लस 0.8 ऑफ p बचेगा, ठीक। तो ये हो गया पहला यहां तक का, ठीक है, एक एक स्टेप में चलना चाहिए। फिर बोलता है 60% ऑफ द कंटेंट ऑफ q वर देन ट्रांसफर्ड बैक टू p, तो अगर 60% इसका 60% जो ट्रांसफर कर दिया P में, तो यहां कितना बचा 40%, तो 0.4 से इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0.4 से इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दो। और यहां क्या होगा, 0.2p तो था, उसमें 60% मतलब 0.6 ऑफ जो भी ये था आया था उसको ऐड कर दो, प्लस 0.8p, इसको ऐड कर दो। अब यहां तक अपन ने कर लिया। अब बोलता है एट दिस स्टेज द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मिल्क इन पी एंड क्यू इज 23/12। अब सिंपली जो है इसको लिख दो, 0.2p प्लस 0.6 ऑफ क्यू प्लस 0.8p डिवाइडेड बाय 0.4 ऑफ क्यू प्लस 0.8p इज इक्वल टू 23/12। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी पी बाय क्यू की 5/2। सॉल्व करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, खुद करना, ठीक है। आंसर 5/2 है, ऑप्शन डी, ठीक है। कोई ऐसा जिसको कोई दिक्कत हो इसमें कैसे करना है बता दो एक बार। चैट में बता दो अगर किसी को कोई डाउट हो। क्लियर है तो मैं अगली लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है। दो चार क्वेश्चन और बचे होंगे मेरे ख्याल से, 2-3 क्वेश्चन उसके लिए कर लेते हैं। ठीक है तो चलो मैं एंड कर रहा हूं इसको।